अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए कौन से यूनिक फार्मूले लगाती है, असाइनमेंट के कितने मार्क्स लेती है, आपके फाइनल एग्जाम के कितने मार्क्स लेती है और आपका फिर फाइनल रिजल्ट जो है वो डी क्लियर होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये फार्मूला बताने लगा हूँ, आप भी घर बैठ के आसानी के साथ ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। AIOU की मेन वेबसाइट ओपन कर लें। मैं यहाँ एक स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड निकाल कर उसमें जिस तरह यूनिवर्सिटी कैलकुलेशन करती है वो सारी कैलकुलेशन आपको निकाल के दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो एग्ज़ाम सेक्शन है मेन यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे आ रहा है असाइनमेंट वर्कशॉप मार्क्स, क्लिक कर दें तो यहाँ पे असाइनमेंट मार्क्स सेमेस्टर स्प्रिंग करंट जो है उसके भी नंबर आ चुके हैं और वर्कशॉप्स के भी। तो इस पर क्लिक करके आप जो प्रोग्राम है BA और AD प्रोग्राम, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, उसके लग चुके हैं। क्लिक करके यहाँ रोल नंबर इंटर करेंगे तो आपके असाइनमेंट मार्क्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसी तरह इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप BEd, BS पोस्ट ग्रेजुएट, AD और ADC प्रोग्राम्स के वर्कशॉप मार्क्स देख सकते हैं। जो मैंने आपको बताना है कि फाइनल एग्ज़ाम में जब ये मार्क्स लग जाते हैं, मतलब एक तो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं जो आप अपने टीचर को जमा करवाते हैं और दूसरे वो मार्क्स होते हैं जब आप AIOU का पेपर देते हैं, बोर्ड पेपर देते हैं, तो यूनिवर्सिटी इन सब को किस तरह कैलकुलेट करके आपके फाइनल मार्क्स लगाती है। अब तरीक़ेकार बदल दिया है शायद कि वो अलग अलग नंबर असाइनमेंट और उसके शो नहीं करते शायद, लेकिन जो अभी तक चल रहा है निज़ाम, जो आप रिज़ल्ट चेक करते हैं उसमें ये मार्क्स किस तरह लगे होते हैं उसको देखते हैं। मैं रिज़ल्ट पे क्लिक कर लेता, एग्जामिनेशन सेक्शन में रिज़ल्ट पे क्लिक कर लें तो एक स्टूडेंट का मैं सारा उसका ओवरऑल रिज़ल्ट कार्ड जो है वो डाउनलोड करके उसकी आपको कैलकुलेशन निकाल के दिखाता हूँ। तो कंप्लीट हिस्ट्री पे क्लिक कर दे, इसमें आपका सारा रिज़ल्ट आ चुका होगा। यहाँ से ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें, रोल नंबर लिख दें और शो रिज़ल्ट पे क्लिक कर दें। हमारे सामने ये रिज़ल्ट इंटीमेशन कार्ड BA डिग्री लेवल जो है वो ओपन हो गया। ये नेम, एड्रेस और ये चीज़ें मैंने खुद ही ब्लर कर दी हैं, बाकी हम इसका जो मार्क्स हैं वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कोर सब्जेक्ट का, आपके टोटल असाइनमेंट्स मार्क्स हैं, एग्जामिनेशन मार्क्स हैं, असाइनमेंट मार्क्स वो हैं जो टीचर आपको आपके असाइनमेंट जब आप भेज देते हैं तो चेक करके मार्क्स देता है। फ़र्ज़ करो ये जो सब्जेक्ट है 413 कोड है, इसके 175 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी दो असाइनमेंट थी 100-100 नंबर की, तो 200 में से आपको 175 मिलेंगे। इस तरह नीचे ये 411 सब्जेक्ट एक है, इसके 325 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी 4 असाइनमेंट थी और इसके 6 क्रेडिट आवर थे। तो जो 6 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट होता है उसकी 4 असाइनमेंट होती हैं, जो 3 क्रेडिट आवर का होता है उसकी 2 असाइनमेंट होती हैं। इस तरह ये एक सब्जेक्ट 419 है, इसका मतलब है कि इसकी भी 4 असाइनमेंट होंगी, टोटल 400 मार्क्स होंगे जिसमें से आपको टीचर ने ये जो मार्क्स हैं 321 दिए हैं। आगे एग्जामिनेशन मार्क्स हैं, आपको पता है कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का हर पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है, तो 100 में से आपको जितने मिले हैं वो सारे दिए गए। कन्फ्लेटेड मार्क्स, ये वो मार्क्स हैं जो असाइनमेंट और एग्जामिनेशन मार्क्स दोनों को जमा करके यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि इधर मेरे 325 हैं, इधर मेरे 49 हैं, जबकि टोटल 59 बन रहे हैं ग्रेड सी। तो यही मैंने आपको कैलकुलेट करके बताना है। ग्रेड पॉइंट हर यूनिवर्सिटी का अलग सा होता है। अलामा इकबाल का ये है कि आपके 60 से कम होंगे तो सी ग्रेड होगा, 60 या उससे ऊपर होंगे तो बी, 70 या 79 तक होंगे तो ए ग्रेड होगा।
तो आइए इस रिज़ल्ट को कैलकुलेट करके देखते हैं। उससे पहले एक और बात है कि रीअपियर का मतलब ये होता है, किसी रिज़ल्ट कार्ड में अगर रीअपियर लिखा हो, इसका मतलब ये है कि इसकी असाइनमेंट तो जमा है, ये मार्क्स लग चुके हैं, थ्योरी का पेपर नहीं दिया, वो दोबारा देना पड़ेगा। यहाँ भी ए आर ई ए पी लिखा हुआ है और आर ई ए पी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि असाइनमेंट देखें जमा है, उसके मार्क्स भी लगे हुए हैं, जबकि फाइनल एग्ज़ाम जो है वो पेपर नहीं दिया गया, तो स्टूडेंट को दोबारा दाखला भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब इसका न्यू एग्ज़ाम होगा तो उसमें खुद ही इसकी स्लिप आ जाएगी, इसकी असाइनमेंट पहले ही जमा है। तो आइए इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन करके देखते हैं। मैं इसका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ और एक्सेल शीट में जाके मैं इसकी आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। मेरे सामने ये एक एक्सेल शीट ओपन है जिसमें मैंने सारे मार्क्स ऑलरेडी इंटर करके रख दिए हैं। पहले मैं इसके मार्क्स आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, फिर मैं जो है आपको इसकी परसेंटेज वाले फार्मूले लगा के दिखाऊंगा। ये 411 कोड है तो इनके 325 नंबर मिले हैं इसको, 325 नंबर, जबकि इसने लिए कितने हैं, जो एग्ज़ाम में कितने नंबर लिए हैं, 49, आगे 50। ये फार्मूला लगा हुआ है जो मैंने आपको बताना है। इस तरह इसके 413 कोड में 175 नंबर इसने लिए, टोटल 200 थे, क्योंकि ये 200 की असाइनमेंट थी, ये 400 की असाइनमेंट थी, तो यहाँ मैंने वो भी लिख दी है। तो इसको एग्ज़ाम में कितने नंबर मिले, 55, तो यहाँ पे 55 लिखे हुए। तो आपकी आसानी की खातिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंपल बना देता हूँ ताकि आपको पहले समझने में थोड़ी आसानी हो। ये मैं हाइड कर देता हूँ, ये रहने देता हूँ। तो अब आप ज़रा गौर से देखिए, इन दो को भी मैं फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ, तो ये हमारे सामने आ गया। इस तरह हमारे सामने जो कोड है वो, इसको मैं थोड़ा रीसाइज कर देता हूँ और आप देखते हैं। तो इस तरह हमारे ये 3419 सब्जेक्ट था, ये 419 है, इसकी 321 लगी हुई, तो इसका मतलब इसके टोटल मार्क्स 400 थे, बाकी इसने एग्ज़ाम में कितने लिए, 56। 485 है, इसके भी 145 लगे हुए हैं और एग्ज़ाम में इसके आए हैं 63, जबकि टोटल इसके 66 बने। ये किस तरह बने, आइए आप देखते हैं। ये पूरा रिजल्ट कार्ड मैंने आपके सामने डिज़ाइन कर दिया, अब इसमें मैं आपको फार्मूले लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले जो हमने, अब देखते हैं कि जो हमने सेल हाइड किए थे उनको अनहाइड कर देते हैं। ये रिज़ल्ट कार्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, अब वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने मार्क्स इसमें इंटर करके अपनी खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये कोड है, ये टोटल असाइनमेंट मार्क्स हैं, ये बच्चे ने मार्क्स लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक, ये मैं फ़िलहाल इनको डिलीट मार देता हूँ जो मैंने फार्मूले लगाए हैं, 70% वाले भी, ये भी लगा देता हूँ। पहले कॉलम में हमारे टोटल असाइनमेंट मार्क्स हैं और ये असाइनमेंट में ऑब्टेन असाइनमेंट्स मार्क्स, ठीक हो गया। और असाइनमेंट के नंबर यूनिवर्सिटी कितने कैलकुलेट करती है, 30%, कितने करती है, 30%। इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि ये 30% वाला फार्मूला हम कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा फार्मूला लगा रहा हूँ, वो एक्सेल में लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू हासिल करदा नंबर बाई टोटल नंबर मल्टीप्लाई 30 कर दूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये देखिए इसके मार्क्स आ जाएंगे। तो एक्सेल में ये एक ट्रिक होती है कि आप यहाँ से इसको पकड़ के अगर हम नीचे खींच देंगे तो सब के नंबर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। ये देखिए, तो फार्मूला आपने सिंपल इस सेल में लगाना है और इसको फिर यहाँ से नीचे खींच लेना है। तो इसके ये मार्क्स लगे हैं 325 में, 400 टोटल मार्क्स हैं, 325 लिए, तो इस बच्चे को मिले हैं 24.375 मार्क्स मिले हैं टोटल। फाइनल एग्ज़ाम के जो मशकें, अब हम देखते हैं कि
अब हम देखते हैं कि टोटल एग्जामिनेशन मार्क्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी के 100 मार्क्स होते हैं, इस बच्चे ने लिए 49 मार्क्स। तो इसका 70% यूनिवर्सिटी काउंट करती है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू हासिल करदा नंबर बाई टोटल मार्क्स, 100 हैं, मल्टीप्लाई अब हम क्या करेंगे 70, और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये यहाँ पे आके इसको हम नीचे, इसको भी नीचे खींच लेते हैं। तो ये देखिए, इसको भी नीचे ऐसे खींच लेंगे, तो यहाँ पे सब पे ये फार्मूला लग गया। फर्ज करो इस, ये जो बच्चा है, इसके पहले 411 कोड में 325 इसको असाइनमेंट के मार्क्स मिले, 49 ऑब्टेन मार्क्स इसने एग्ज़ाम में लिए। तो अब इसके टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, इज इक्वल टू हम इन दोनों कॉलम्स को जमा कर देंगे, इसको इस कॉलम को, इसमें जो नंबर आए हैं और असाइनमेंट वाले 70%, और इंटर जब प्रेस करेंगे तो ये नंबर बन जाएंगे। इसको हम एंड तक नीचे खींच लेते हैं। अब मैं ज़रा आपको फाइनल रिजल्ट जो है उसमें दिखाता हूँ कि क्या हमारी कैलकुलेशन ठीक हुई है या नहीं। दोस्तों मेरे पास रिज़ल्ट ओपन है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या हमारा रिज़ल्ट जो है वो हमारा ठीक निकला है या नहीं। ये चार सब्जेक्ट का पहले मैं चेक कर लेता हूँ। एक्सेल शीट ओपन करके यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसको यहाँ पे देखता हूँ, तो हम देखते हैं कि 325 मार्क्स लिए, उसके बाद 49 मार्क्स ये लिए इसने, और इसके टोटल कितने बने 59। तो अभी देखिए कि वो 59 ही बने। 170 ये जो सब्जेक्ट 413 था, इसमें इसके बने 65, 79 और 59। तो एक सेमेस्टर क्लियर हो गया। हम दोबारा देखते हैं ये जो आटम वाला सेमेस्टर है हमारा 2019 वाला, इसके हम सब्जेक्ट के तमाम का रिजल्ट चेक करते हैं कि क्या कैलकुलेशन हमारी ठीक हुई है। तो जो हमारा बनता है, अभी आप गौर से देखिएगा, 321 कोड, सॉरी 419 कोड, ये 419 कोड के कितने बनते हैं 63, फिर 69, फिर 63 और एंड पे 69 और आखिर में 70 मार्क्स यहाँ था। 14-24 के कितने बने, ये सेल सेलेक्ट है, तो आप देख लें कि 14-24 के 70 मार्क्स ही बने और इधर भी 70 ही निकले। और हमारा आखिरी सेमेस्टर है ये, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके इधर चेक करता हूँ, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये देखिए 436 के कितने बने 66, 51 के कितने बने 72, ए ग्रेड है, और 485 के कितने कोड के बने 66। तो दोस्तों ये एक वो फार्मूला है जो यूनिवर्सिटी लगाती है जिससे हमारा रिज़ल्ट जो है ओवरऑल कैलकुलेट होता है। तो इसमें अगर रिज़ल्ट में री अपीयर या आर ई ए पी लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि असाइनमेंट मार्क्स आपके लगे हुए हैं, लेकिन आपने सिर्फ पेपर देना। लेकिन अगर फेल लिखा हुआ हो तो आपको दोबारा एडमिशन भी भेजना पड़ेगा। ये जो परसेंटेज आ रही है डबल फिगर में, या इनको भी हम यहाँ एक्सेल में कम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, हाँ ऐसे देखें, परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनको भी कम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, परसेंटेज भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों ये एक फार्मूला था सिंपल सा कि जो यूनिवर्सिटी 30% असाइनमेंट और 70% एग्ज़ाम मार्क्स लेके उनको जमा करके हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आता है जो हम ये देख चुके हैं। ये दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ नई नई वीडियो और मालूमात मिलती है। खुदा हाफ़िज़।